मार धाड़ और एक्शन से भरपूर सनी देओल की ये पांच फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस वजह से हो गई थी ढेर। तो फ्रेंड्स, सनी देओल इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक परमकथा के सीक्वल के चलते जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। 20 साल बाद एक बार फिर अमीषा पटेल और सनी देओल अपनी फिल्म गदर की सफलता को दोहराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 11 अगस्त को गदर 2 थिएटर में दस्तक दे उससे पहले फैंस के दिलों में पुरानी यादों को ताजा करने के इरादे से हाल ही में गदर को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था और इस बार भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है। लेकिन इन सबके बीच अगर सनी देओल की कुछ पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो एक्टर की कई फिल्में वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। पिछले 22 सालों में यंगरी यंग मैन, सनी देओल की कई एक्शन फिल्में रिलीज हुई लेकिन इन फिल्मों को ऑडियंस का उतना प्यार नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। ये फिल्में एक्शन और मारधाड़ से भरपूर होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से ढेर हो गई थी। सबसे पहले बात करते हैं 1990 में आई सुपरहिट फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। सनी देओल और सोहा अली खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। घायल वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर केवल 57.6 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सनी पाजी की फिल्म खुदा कसम है। तब्बू, फरीदा जलाल और विनोद खन्ना जैसी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। खुदा कसम कब आई और कब चली गई ये बात ज्यादातर ऑडियंस को पता भी नहीं चल पाई थी। अब बात करते हैं जल द ट्रैप की। इस फिल्म में एक बार फिर तब्बू और सनी देओल की जोड़ी साथ आई थी। इस फिल्म में रोमांस और एक्शन का भरपूर डोज होने के बाद भी ऑडियंस ने इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया था। 2007 में रिलीज हुई सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बिग ब्रदर, जो कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती जो कि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई की बात करें तो ये फिल्म केवल 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के बाद सिमट गई थी। सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और तब्बू की फिल्म हिम्मत भी फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में एक्शन और मसाला तो काफी था लेकिन ऑडियंस को इस फिल्म की कहानी अब थोड़ी कमजोर लगी थी। इसी वजह से कमाई के मामले में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सड्डी साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स, इन सभी फिल्मों में से आप सभी ने सनी देओल की कौन सी फिल्म देखी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।